गाइस हम लोग ये कहाँ पहुंच गए यार। सो हे गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल HDMI ब्लॉग्स में। तो कैसी मेरी प्यारी जनता, आ गए हैं कौन न्यू ब्लॉग लेके आप सभी के लिए। गाइस तो मुझे इस दिन का ना बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। गाइस आई होप आपको भी इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। पहले ये तो बता दूं आज का दिन क्या है। दिन ये है गाइस कि आज हम लोग जा रहे हैं एक और न्यू ट्रिप में। बहुत दिन से ना हम लोग है भैया घूमने फिरने वाले आदमी और हम ही लोग घूम नहीं रहे थे, बताओ। ऐसा हमको इतना ज़्यादा काम आ गया था ना गाइस हमारे घर में कि हमको फ्री टाइम मिल ही नहीं रहा था कि हम लोग बाहर घूमने जा सके पापा बेटा। लेकिन आज तो ये दिन बहुत ही स्पेशल है। पापा ने थोड़ा सा टाइम निकाला और फिर हम लोग निकले हैं अपने एक नए सफ़र के लिए। गाइस ये सफ़र ज़्यादा दूर तो नहीं होने वाला, फिर भी हमें इस सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे साथ है मेरी प्यारी बेबी। हे बेबी कैसी है तू? और फर्स्ट टाइम बेबी हमारे साथ इस ट्रिप में जा रही है ना बेबी? हाँ। वरना पापा और मैं ही जाते हैं। बेबी ने बहुत जिद किया तब जाके उसको यहाँ लाया गया है ना बेबी? सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजनांदगांव और ये है राजनांदगांव की सड़कें और अभी हमको राजनांदगांव से ही कटना है। कहां से कटना है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर से कर देना। और ये मेन सिटी है भैया राजनांदगांव की और करेला पानी जाने के लिए आपको यहीं पहले आना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बेडकर चौक और ये अम्बेडकर चौक से हमको मुड़ना है इस तरफ, देख सकते हो। हम लोग ले चुके हैं अभी यहाँ से लेफ्ट। और गाइस जो दिग्विजय स्टेडियम है उससे पहले पड़ता है ये अम्बेडकर चौक और उसके बाद हमें आगे तक जाना है। तो यहीं से हम लोग जाएंगे करेला भानी। पूरा वीडियो देखना और वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। अभी तो गाइस इस ट्रिप के बारे में भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम लोग जा रहे हैं करेला भवानी जो कि हमारे राजनांदगांव के एक छोटे से गांव में स्थित है ये मंदिर जो हमारी दुर्गा माता रानी का मंदिर होने वाला है। लेकिन गाइस इस मंदिर के बारे में आपको और बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि करेला भवानी है क्या और कहाँ है ये जगह और इतनी सुंदर जगह हो भी सकती है गाइस। क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ ना, दिल से बताऊँ तो करेला भवानी बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि वहाँ चारों तरफ आजू बाजू हर जगह पहाड़ है और हमारी जो माता रानी है उनका मंदिर भी पहाड़ पे स्थित है गाइस। तो चलो चलते हैं और दिखाता हूँ वहाँ का खूबसूरत व्यू। और अगर बात की जाए, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो अगर आपको पिकनिक में भी जाना है ना तो वहाँ पे पिकनिक भी आप जा सकते हो क्योंकि करेला भवानी में बहुत बड़ा डैम है, मंदिर है और बहुत ही सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसमें आप खूब मजे कर सकते हो। तो चलो ब्लॉग दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आपने देखा हम लोग आ चुके हैं राजनांदगांव से करेला भवानी के लिए अंदर तरफ गाँव के तरफ और अभी हम लोग जा रहे हैं करेला भवानी। सो गाइस करेला भवानी का रास्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर है और अगर आपको रास्ते की फिक्र है ना तो बिल्कुल फिक्र मत करो क्योंकि रास्ता तो एक नंबर और सनान है भैया, है ना बेबी? बेबी बेबी सो गाइस अभी हमने राजनांदगांव से 20 किलोमीटर तय कर दिया है और अभी हमको और आगे जाना है भैया ऐसे अच्छे अच्छे रोडों में। आगे भी रोड ऐसे ही हो गाइस क्योंकि आप तो जानते हो गांव का रोड थोड़ा खराब रहता है पर हमारा गांव भी एडवांस हो गया भैया, छत्तीसगढ़ है ये। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, damn what a hell of a view. I feel उसी का हो गाय है तू? गाय है गाँव से है तू? गवार है तू? गवार का बड़ा भाई गवार क्या हर बार पे यही बोलती है, तू मेरा बड़ा भाई तू गवार है, मैं गवार तो तू गवार। You look great, I like you, I can't wait, our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. So guys, फिलहाल अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे एक शॉप में। बेबी क्या ली है? बेबी ली है टकाटक, जिसको खा के हम लोग हो जाएंगे टकाटक क्योंकि अभी सीढ़ी भी चढ़ना है। मेरा चोल ले ले। नहीं लिया मैं भैया आपको उतना, अरे नहीं आएगा क्यों बेबी? ये आ गया भैया टकाटक हमारा, खा बेबी तू खा।
तो मैंने भी फिलहाल यहाँ पे ले लिया ये हल्के फुल्के, अब इसको खा के हम लोग हल्के हो जाएंगे, ऐसे ही इतना पतला हूँ मैं, है ना। गाइज उस तरफ है करेला भवानी के पहाड़ जो कि आपको दिख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े, चलते हैं और आगे भी आपको और मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दो। क्यों बेबी, हाथ पोछ लो बेबी के शर्ट पे। मेरा शर्ट ये ले, रुमाल रुमाल जेब में जेब ही पोछ दिया, रुमाल था ना बेबी अंदर पोछा गया समझ ले, चलाओ आओ। ए बेबी मेरी बच्ची होशियार वाली, चलो इतनी मोटी कैसे हो गई बेबी, मैं मोटी हूं, तू दो कुरकुरे खाई और मोटी हो गई है, टका टक एकदम। हां क्या चीज, पेट्रोल भरवाने का, चलो दोस्तों चलो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भंडारपुर, और यहां से देख सकते हो हमको जाना है भंडारपुर करेला भवानी। तो भंडारपुर के लिए हमें जाना पड़ेगा इस साइड, और ऊपर में है भवानी मंदिर जो कि करेला भवानी के ऊपर है। सो गाइस चलो चलते हैं माँ भवानी मंदिर और दर्शन करते हैं आप सभी के साथ। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक के, और जरूर देखना, और पहाड़ तो हमें दिखना शुरू हो गए भैया, चलो चलते हैं भवानी मंदिर। ये देखो गाइस कितना सुंदर व्यू है। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने करेला भवानी के गेट तक पहुंच चुके हैं, और यहां से अभी हमको जाना है अंदर। तो चलो अंदर चलते हैं हम लोग पैदल पैदल गाइस, क्योंकि यहां गाड़ी अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, गाड़ी वाड़ी सब अलाउड है। ये कहां से जा रहे हैं अंकल, आ रहे हैं उन लोग गाड़ी लेके, तब तक हम लोग पैदल पैदल चलते हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप लोग बहुत ही सुंदर रास्ता है यहाँ का करेला भवानी के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना आप लोग। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ क्यों आए हैं ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चलो बैठते हैं गाड़ी में भैया, पहले चलो यहाँ पे एक छोटा सा लेक है भैया जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कितना गहरा लग रहा है यार ये पानी चल रहा है ऐसा लग रहा है बीच के इतने एरिया का। I'm falling fast, sitting here praying that this life's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like our same tracks, listen all night in the sheets all black. ये फील बनाया जा रहा है भाई। So guys एक बार देखो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा सुंदर आ रहा है, और बेहतरीन व्यू है यहाँ पे पानी का भाई साहब, नीचे जाए तो मजा आ जाता भाई नीचे जाने में। सो गाइज अब बाय बाय करते हैं इस व्यू को, और अभी हम लोग चलते दर्शन के लिए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्द शाम होने से पहले घर भी पहुंचना है, वरना बहुत ठंड लगती है, और मैं बड़ा वाला जैकेट भी नहीं लाया हूँ आज अपना। सो गाइज फाइनली जस्ट अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ पे हमें आते मानी बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं, और एक मंदिर यहाँ पे नीचे है और एक मंदिर ऊपर है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दूसरा ब्लॉग जो कि आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। तो चलो अगला वीडियो देखना ना भूलना, पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो, अगला वीडियो जल्दी आएगा। तो गुड बाय गाइज, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, आप सभी के लिए ऐसा ब्लॉग हम लाते रहेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। गुड बाय गाइज।